हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी पाठशाला एंड वेलकम टू माय न्यू लाइव क्लास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूपीएससी पाठशाला में और मेरे इस नए लाइव क्लास में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, इस नए लाइव क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो हमारा 24 अप्रैल 2023 के लिए जो आपके दैनिक समसामयिक की चर्चा या दैनिक संपाद की विश्लेषण जो है, उसे हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग की तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी और आप लोग बहुत ही अच्छे से अपने तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। दैट मीन्स एक ऐसी तैयारी जरूर कर रहे होंगे जिससे आपको क्या मिलेगा, सफलता मिलेगा। ठीक है, एंड इसके बाद दोस्तों सबसे पहले तो नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, जो बोलिए। ठीक है, एंड हम लोग अपने डिस्कशन की शुरुआत जो है अब डायरेक्टली करने वाले हैं और बहुत सारी चीजें जो है, आज एक टॉपिक ऐसा है कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि मैं वेट करता रहता हूँ एडमिट करने के लिए और सोचता हूँ किसी का नुकसान ना हो जाए, इसलिए 2-4 मिनट लेट हो जाता हूँ। ठीक है, तो बाकी आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग। और सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा। ठीक है, कि अगर स्क्रीन पे देखिएगा कि आपका कौन कौन से संपादकीय जो आज के द हिंदू में था, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा सबसे पहले कि यहाँ पर ठीक है, हाँ, जो यह है आपका इंडिया, ओके, एज मोस्ट पॉपुलर कैन बी बोन बैन बैन, ओके, बोन और बैन, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है इसके ऊपर पूरे डिटेल में कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या फायदा हो सकता है, भारत सरकार को क्या करना चाहिए, वही चीजें हैं इसमें, तो उसे आज हम लोग डिस्कस करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो दूसरा आर्टिकल है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपको भी देखना चाहिए, ये है आपका अ न्यू, ओके, ट्रॉइका फॉर इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन, ओके, ये आर्टिकल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर हमारा या आपका किसी के साथ डिस्कशन जरूर हुआ है नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर भी, लेकिन आज हम लोग इसे पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। द अपोजिशन यूनिटी, ओके, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्कस ही नहीं करना है। तो चलिए सीधा हम लोग अपने डिस्कशन के ऊपर पहुंचते हैं और अपने आर्टिकल को कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, अ न्यू ट्रॉइका फॉर इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, यानी भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए आपका क्या एक क्या तरीका हो सकता है, क्या क्या किया गया है, क्या किया जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन का क्या महत्व है, ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग अपने मतलब कि सबसे पहले जैसे मैं डेली डिस्कस करता हूँ कि ये आर्टिकल जो है कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, ये हमें पता होना चाहिए। ये हमारे जनरल स्टडीज की पेपर 2 पॉलिसी गवर्नेंस से रिलेटेड है, ये हमारे जनरल स्टडीज की पेपर 1 सोसाइटी से भी, नॉर्थ ईस्ट का सोसाइटी पूरा अलग है, जोड़ सकते हैं, और मेनली ये जो टॉपिक है जनरल स्टडीज की पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी से जरूर रिलेटेड है। और जनरल स्टडी पेपर 2 में नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो बहुत सारे देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो ये सिक्योरिटी के पर्पज से भी महत्वपूर्ण है। ओके, सबसे पहली बात, इस आर्टिकल को लिखा किसने है, इस आर्टिकल को जो लिखने वाले हैं दोस्तों वो हैं राजीव भाटिया जी, समझिएगा, जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड, ओके, फेलो गेटवे हाउस एंड अ फॉर्मर एम्बेसडर टू म्यांमार। ठीक है, ये म्यांमार के फॉर्मर एम्बेसडर भी रहे हैं राजीव भाटिया जी। तो इनके जो विचार हैं वो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सीधा डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, है ना। तो जो डेली हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या किस जो आर्टिकल जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके पीछे संदर्भ जो है दोस्तों वो क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। अगर कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता है तो फिर क्या फायदा पढ़ करके। चलिए, तो सबसे पहले की अगर कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमेशा से ही न्यूज में रहता है, हमेशा मैं आपको कह सकता हूँ कि न्यूज में रहता है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो भारत और जापान का तीसरा इंटेलेक्चुअल डायलॉग जो है वो आपका आसियान कॉन्फ्रेंस इन अगरतला त्रिपुरा के द्वारा किया गया 11 और 12 अप्रैल को। ठीक है, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। तो कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिया और जापान का तीसरा इंटेलेक्चुअल डायलॉग जो है वो होस्ट किया गया एशियन
कन्फ्लुएंस इन अगरतला, जो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है ना, कब? तो 11 से 12 अप्रैल 2023 को, 11 से 12 अप्रैल 2023 को ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है। और इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स के ऊपर आएंगे। अच्छा, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं दोस्तों एक चीज आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, कि आज 24 अप्रैल है। मैंने पंचायती राज दिवस के ऊपर भी शायद आप लोग के साथ डिस्कशन किया हुआ है जहां तक मुझे आता है, और थोड़ा सा मैं फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि आज 24 अप्रैल, ओके, 24 अप्रैल है, और 24 अप्रैल जो आपको याद रखना है कि नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल, ओके, पंचायती राज डे, ओके, नेशनल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डे भी कह सकते हैं, नेशनल पंचायती राज डे हम लोग कहेंगे, ये मनाया जाता है ना। और 22 अप्रैल के बारे में भी बताया था कि अर्थ डे मनाया जाता है, ठीक, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट थीम था, ये बताया था। अच्छा, 24 अप्रैल को ही क्यों? हुआ क्या था दोस्तों, मैं इस कहानी में नहीं जाऊंगा, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, इस सब में नहीं, बस आपको एक चीज याद रखना है कि एलएम सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन पे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और उसके लिए 73वें संविधान संशोधन, 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 जो है ये पास, 1992 हम कहेंगे, ये पास हुआ, और यही एक्ट 24 अप्रैल ओके 1993 को लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं, ठीक है। अगर आप पंचायती राज की बात करेंगे, पार्ट 9 आपको याद रखना है, भाग 9 जो हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल की अगर बात करते हैं अनुसूची का, तो अनुसूची 11, ठीक है। टोटल लिस्ट की बात करते हैं पंचायती राज के पास, तो टोटल 29 है, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। उसी के साथ एक आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी था, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। तो ये भी जो है आपका 6 जून 1993 को लागू हुआ था, लेकिन इसके लिए डे नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अच्छा, जो 74th जो आपका अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए बना, तो पार्ट 9 बी हम लोग कहते हैं, पार्ट 9 ए भी बहुत सारे लिखते हैं, लेकिन वैसे बी है, सी में कोऑपरेटिव है ना, तो ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अगर शेड्यूल की बात करते हैं, तो शेड्यूल 12 है, इसके अंदर जो लिस्ट की अगर बात करेंगे तो लिस्ट 18 है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा एक दो पॉइंट और करंट अफेयर में आपका इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना चाहिए, यह टॉपिक तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, ठीक है। जो कुछ चीजें है आपका हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि करंट अफेयर में, जैसे कि सबसे पहले उड़ान 5.0 स्कीम लॉन्च हुआ, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है ना, और इसमें टर्म आता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पूरा उड़ान स्कीम ही इंपॉर्टेंट हो गया है ना। फिर दूसरी चीजें अगर मैं आपको बताऊं, तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीजें एक न्यूज में था कि आपका चाइना का आउटरीच जो है सेंट्रल एशिया में बढ़ रहा है, उसमें मैं नहीं ले जाऊंगा, उसमें नहीं, एक न्यूज था आपका लॉजिस्टिक रिपोर्ट को लेकर के, ठीक है। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यस, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ये वर्ल्ड बैंक का आपका रिपोर्ट है। किसका रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है? लॉजिस्टिक, ओके, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि जो इंडिया का रैंक है वो अभी 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज, ओके, और 2018 में अगर बात करेंगे इंडिया का, तो 44वां रैंक था 2018 में, 54वां 2014 में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में थोड़ा सा रखना था। अच्छा, फिर उसके बाद एक और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूज मुझे याद आ रहा है, आज के न्यूज पेपर में था, मंडल कमीशन तो आपका है ही बार बार उसके ऊपर, ठीक है। मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट, यस, स्टेट ऑफ क्लाइमेट, ओके, ग्लोबल क्लाइमेट 2022 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसे पब्लिश करती है। पूरा सा जो करंट अफेयर में कवर होगा उसको आप जरूर देख लीजिएगा,
ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि कहीं क्वेश्चन आ जाए और उसके बाद पीएसएलवी C55 एंड टेलियोस 2 सैटेलाइट न्यूज में था साइंस एंड टेक के लिए, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीजें था जहां तक मुझे याद आना चाहिए, हाँ हिक्की, ओ सॉरी हिक्की बोलो, हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी याद रखिएगा, क्या नाम है लिख देता हूँ, HAKKI हक्की, ओके पिक्की ट्राइबल, ये कर्नाटक के हैं। ठीक है, कर्नाटक में मेनली रहते हैं ये, ठीक, ये ध्यान में रखिए, सेमी नोमैडिक हैं और 121 से अधिक जो हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी जो है कर्नाटक से उस सूडान में जो अभी हिंसा हुआ है उसमें फंस गए हैं, तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा शेड्यूल ट्राइब्स है कर्नाटक का। ठीक है, और इसका जो ओरिजिन बोला जाता है राणा प्रताप सिंह से बोला जाता है, यानी एंसेस्टर थे वो, ये बोला जाता है। ठीक, अच्छा ये हो गया, अब आ जाते हैं आर्टिकल के ऊपर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो सबसे पहली चीजें जो हमें समझना चाहिए कुछ बेसिक फैक्ट, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो एक चीज आपको भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है जिसमें 8 राज्य शामिल है और उस वहां पे तेजी से बदलाव आ रहा है, तेजी से विकास हो रहा है ये मैं कह सकता हूँ, और इसने विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अच्छा काम भी किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे असम में इंसर्जेंसी हो, ठीक है, नागालैंड में हो, ठीक, या आपका मिजोरम मेघालय में हिंसा होते हो, अरुणाचल प्रदेश के साथ कई राज्यों का बॉर्डर डिस्प्यूट हो या असम का भी हम लोग कह सकते हैं, तो उन सभी को शॉर्ट आउट करने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया गया है। तो ऐसे समय में दोस्तों जब यह क्षेत्र अधिक विकास की ओर बढ़ रहा है, तो हाल ही में त्रिपुरा में आयोजित भारत जापान बौद्धिक संवाद में विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं की सोच का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान किया है, और ये समिट जो आपके त्रिपुरा में हुआ है, ठीक है, वो क्या है, वो यह दिखाता है कि बांग्लादेश भारत और जापान की जो टिकरी को करीब लाने से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास लाने में मदद मिल सकती है, विकास लाने में मदद मिल सकती है, यह हमें ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि अपने आप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें 8 स्टेट्स आते हैं, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, ओके मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम आते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको मैप जो है दिखाने का, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शायद आप सब लोग को अब दिख रहा होगा, यस हाँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये मैप है नॉर्थ ईस्ट का, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपोर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले यहाँ से आप देखिएगा कि ये है आपका सिक्किम जो नेपाल के साथ की बाउंड्री टच करता है, यहीं पे कंचनजंगा है ना, और माउंट केटू भी हम लोग कह सकते हैं कंचनजंगा में। फिर उसके बाद ये देखिए, ये पूरा का पूरा पार्ट येलो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे सूरज अपने भारत का सबसे पहले निकलता है, और यहीं पे आपका जो ईस्टर्न पॉइंट भी है, ओके मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट जो अपने इंडिया का हम लोग कहते हैं। फिर जो है आपका ये नागालैंड और बीच में असम है, असम देखिए अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, नागालैंड के साथ शेयर करता है, यहाँ पे इम्फाल के साथ शेयर करता है, चौथा आइजवाल के साथ शेयर करता है, पांचवा अगरतला ये है, ओके तो त्रिपुरा के साथ, ये त्रिपुरा शिलोंग जातमीज की मेघालय के साथ भी ये बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो ये अपने आप में हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा मैप, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने जो आर्टिकल्स है उसके ऊपर फिर से आ जाते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कॉन्टेक्स्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कौन कौन से 8 स्टेट्स हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे पहले ये जो ट्राइका जो वर्ड यूज किया गया है ना, ये है क्या, इसके बारे में तो हमें पता होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ट्राइका की बात करते हैं, ट्राइका मतलब अभी मैंने बताया था भारत, बांग्लादेश, जापान,
ठीक है। अब यहीं पे अगर हम लोग देखते हैं तो मैं बता देता हूँ, ये ट्रॉयका टिकरी भी जिसे हम लोग कहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में राजनीतिक परिवर्तन और पड़ोसी बांग्लादेश और जापान के साथ संबंधों का जो व्यापक जाल से भारत को क्या होगा, विकास करने में मदद मिलेगा और बांग्लादेश और जापान सहयोग कर सकता है, भागीदारी निभा सकता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया भी कि जैसे अगरतला में जो आपका एग्जीबिशन हुआ था, ठीक है, तीसरा भारत जापान बौद्धिक संवाद एशियन कॉन्फ्रेंस, ये अगरतला में हुआ उनके द्वारा किया गया था, तो उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये देखना है कि भारत के पास एक अवसर है, ठीक है, कि इन देशों का मदद लेकर के वो अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन को क्या करे, स्ट्रॉन्ग करे, क्या करे, स्ट्रॉन्ग करे। सो दैट इज द बेस्ट थिंग, क्या करना है, अगर स्ट्रॉन्ग वो कर पाती है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले है, ठीक है, क्या है आपका, बल्ले बल्ले भी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन को और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, तो यस, इसके बाद हम लोग को जो समझना है वो है आपका क्या, नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमने समझ लिया कि नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें 8 स्टेट्स हैं, लेकिन और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए, कल्पना प्लीज म्यूट कर लो, कल्पना प्लीज प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता देता हूँ नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में, समझिएगा थोड़ा सा क्या, कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन रणनीतिक रूप से पूर्वी भारत के पारंपरिक घरेलू बाजार तक पहुंच के साथ, जो हम लोग कहते हैं कि ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहां पे पारंपरिक बाजार भी आपको देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के पूर्व में प्रमुख राज्य बांग्लादेश और म्यांमार जैसे निकटवर्ती देश हैं, जैसे म्यांमार अरुणाचल प्रदेश के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और इन क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा कि जो 8 स्टेट है वहां पे चुनौती पहले क्या थी, सुरक्षा की चुनौती, ठीक है, आर्थिक विकास की चुनौती, अब संरचना के विकास की चुनौती, लेकिन अब उस पर जो है भारत सरकार काम कर रही है, क्या है, भारत सरकार काम कर रही है, तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़े और बात करते हैं कि विजन और डॉक्यू या अपॉर्चुनिटीज आपके क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस ट्रॉयका का, ट्रॉयका मतलब भारत बांग्लादेश जापान नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण अगर हम लोग बात करते हैं परियोजनाओं में से एक है बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर मातारवाड़ी जो द्वीप है, द्वीप भी कहते हैं, ठीक है, और जिसे सी पोर्ट भी हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सी पोर्ट भी हम लोग कह सकते हैं, कौन सा है, मातरबाड़ी, लिख देता हूं मैं आपको, क्लियर रहेगा, ठीक है, समझिएगा, मातरबाड़ी, ओके, बाड़ी मीन्स घर होता है बंगला में, मतलब बंगाली लैंग्वेज, ठीक है, या घर के पास का इलाका, हम लोग इधर बाड़ी बोलते हैं, घर के पास का इलाका जहाँ पे सब्जी वब्जी किया जाता है, बाड़ी, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप देखो मातरबाड़ी द्वीप सी पोर्ट का विकास है और इसका निर्माण कौन कर रहा है, इसका निर्माण जापानी सहायता से किया जा रहा है और 2027 में चालू हो जाएगा ये। और अगर हम लोग बात करते दोस्तों, समझिए थोड़ा सा कि एक आपका एस्कॉन का AFCON जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या हुआ है कि एक रिपोर्ट आया है, ठीक है, ये समझिएगा थोड़ा सा, एस्कॉन मतलब होता है आपको तो ध्यान में रखना होगा, ठीक है, एशियन कॉन्फ्रेंस भी हम लोग कहते हैं, एशियन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, तो एशियन कॉन्फ्रेंस के एक अध्ययन में इस बंदरगाह को गेम चेंजर होने की परिकल्पना की गई है, बताई गई है, क्योंकि 220 मिलियन की आबादी की सेवा करने वाला पूर्वोत्तर के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण इस क्षेत्र का एक केंद्र और प्रमुख औद्योगिक जो गलियारा बनना है, ठीक है, यानी कि आपका जो द्वीप है, अगर आप देखोगे जो मातरवाड़ी द्वीप है, ठीक है, वो जापान की सहायता से बन रहा है, ये हमें ध्यान में रखना होगा, कहाँ पर, बांग्लादेश में, लेकिन उसका फायदा भारत जो है बांग्लादेश से अपने संबंध को और अच्छा करके क्या कर सकता है, उसका यूज नॉर्थ ईस्ट के लिए भी कर सकता है, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या होगा, गेम चेंजर होगा, क्या होगा, गेम चेंजर होगा, सो दैट्स व्हाई कि दिस इज अ बिग थिंग, ओके। तो ये विजन और डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया या अपॉर्चुनिटी भी हम लोग बात करते हैं,
अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े और ये समझने की अगर कोशिश करते हैं, और डिटेल में लेकर के चलता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा जिससे, ठीक है, कि आपका क्या होगा, मातरवाड़ी द्वीप का जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो समझिएगा कि इससे मातरवाड़ी जो द्वीप सी पोर्ट जो है, उससे आपका बांग्लादेश, भारत के नॉर्थ ईस्ट को भी फायदा हो सकता है। लॉन्ग टर्म मिशन है बांग्लादेश का, और अगर हम लोग बात करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट को भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बना, या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में बनाने का, ठीक है। अच्छा, जापान के जो एम्बेसडर हैं, ठीक, उन्होंने क्या कहा कि ये जो कनेक्टिविटी जो बढ़ रहा है रोड्स के द्वारा या रेलवे के द्वारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और बिना रीजनल जो इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन के तो मतलब कि साबित ही नहीं हो सकता। मतलब रोड का क्या फायदा थी जब तक कनेक्शन ही नहीं है, या सी पोर्ट का क्या फायदा जब तक कनेक्शन ही नहीं है, दूसरे देश के साथ हमारा बेहतर संबंध ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है ना। फिर इसमें ये भी बोला गया कि ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, रोड ट्रांसपोर्ट बन सकते हैं, नए अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं, जॉब क्रिएट हो सकता है ना। उसके साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग हो सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अगर बनने शुरू हो गए तो नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारे कैपेबिलिटी है, यहाँ तक कि मिनरल्स भी आपका बहुत है, ठीक है, मिनरल्स भी आपका बहुत है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है ना, यानी नॉर्थ ईस्ट की महत्वता क्या है। आपके स्लाइड पे भी स्क्रीन पे अभी यही है कि उत्तर पूर्व भारत जो है उसका क्या महत्व है, ठीक। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर पूर्व भारत की अगर आप महत्व की बात करेंगे तो वन बाय वन मैं आपको समझाते चलता हूँ, जो कि आप लोग के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, रणनीतिक जो महत्व है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, स्ट्रैटेजिक लोकेशन ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक, समझिएगा थोड़ा सा कि भारत के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, अब ये लुक ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, उसको क्या हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको मतलब कि फायदे में लिया जा सकता है। इनर्जी रिसोर्सेज, संसाधन, भारत में या खास के नॉर्थ ईस्ट रीजन में इनर्जी रिसोर्सेज, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। कार्बन सिंक, प्रदूषण से, क्योंकि वहां पे वन बहुत हैं और मेघालय आपको पता ही है, ठीक है, सबसे ज्यादा वन प्रतिशत के हिसाब से अगर बात करते हैं तो, और जो पूरे नॉर्थ ईस्ट हरा भरा है तो कार्बन को सोखने का भी काम कर सकती है। एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, कृषि जो आपके संसाधन को वहां से मंगाया जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना। देन इको टूरिज्म एंड इन्वायरमेंट, टूरिस्ट भी बढ़ सकता है अगर डेवलपमेंट होगा तो, है ना, और उससे रोजगार भी क्रिएट होगा। तो ये सारे सिग्निफिकेंस थे आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भारत के लिए, क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भारत के लिए, तो ये हमें ध्यान में रखना था। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चुनौतियां क्या है नॉर्थ ईस्ट के लिए। अगर आप बात करते हैं चुनौतियां क्या है, चुनौती में बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं, आप याद रख सकते हैं कि उसकी बनावट, ज्योग्राफिकल जो हम कहते हैं डिफिकल्ट टेरेन, ओके, ये आपका बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक, ये हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि दूसरा जो चुनौती है वो है लिमिटेड कनेक्टिविटी। नॉर्थ ईस्ट रीजन वो लैंडलॉक है, ठीक है, इसलिए इनके पास सी का एक्सेस है ही नहीं, अगर हम लोग कहते हैं तो, या लिमिटेड हो सकता है। वहां पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर अब सरकार काम कर रही है, ठीक है, रेलवे लाइन की बात करिए या रोड की बात करिए, इन सारे चीजों का। इंसर्जेंसी, वहां पे उपद्रवी घटनाएं बार बार होते रहती है, और पूरा एरिया जो है वो बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ है, अभी भी लोग को बहुत कहते हैं डे टू डे जो भारत के शहर के लोग हैं उनसे कंपेयर करने के लिए बहुत अभी टाइम लगेगा, ठीक है, या गाँव के लिए भी वो पूरा का पूरा पिछड़ा इलाका आपका हो जाता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पॉइंट वाइज इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व जो क्षेत्र है उसका महत्व क्या है ना। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रैटेजिक लोकेशन, एक मिनट, हाँ
तो जैसे मैंने अभी बताया था, रणनीतिक मतलब कि आपका लोकेशन है, रणनीतिक महत्वता, टूरिस्ट का पोटेंशियल है, कल्चरल सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, फिर उसके बाद जो है साउथ ईस्ट एशिया यानी लुकिस पॉलिसी को, एक्टिस पॉलिसी को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके अपने आर्थिक महत्व हो सकते हैं, क्योंकि सिक्किम जो है अपने इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, प्रश्न क्या उठता है कि भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो बता दूं, भारत सरकार ने कदम उठाया, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बना है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के अंतर्गत, और इसे जो चेयर किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। इसके जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसमें शांति के मतलब के कायम करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारे एफर्ट किए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप से बातचीत की गई है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इसके बारे में पूरा डिटेल बताओ, ठीक। ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया, नहीं तो सेशन 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। दैन बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, BCIM कॉरिडोर भी हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद जो आपका मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, उसे क्या कहते हैं, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। देन नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम भी कह सकते हैं, एंड देन नेशनल बैम्बू मिशन, ठीक है। ये भारत सरकार का जो कुछ कदम जो है ये हम लोग कह सकते हैं कि उठाया गया है भारत सरकार का, यानी गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, एक है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो कालादान मल्टी ट्रांजिट जो रिपोर्ट है, जो आपका हम लोग कहते हैं म्यांमार, उसके साथ ही म्यांमार बोल रहा हूँ, हाँ मतलब कि म्यांमार भारत के बीच कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद आपका क्या है, हमें जो ध्यान में रखना चाहिए, BCIM बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, ओके। दैन टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च की, उसके नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स भी हैं। दैन मिशन जो आपका पूर्वोदय, जो आपके स्टील सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया मिशन पूर्वोदय, ये याद रखिएगा, पूर्वोदय मीन्स पूरब। दैन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इनिशिएटिव, जैसे कि भारतमाला परियोजना की बात कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ज्यादा। दैन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसी सरकार के द्वारा 2014-15 में बनाया गया था, ठीक है। अब आते हैं वे ऑफ फॉरवर्ड के ऊपर। भाई ये सब तो डिस्कस कर लिए, अब आगे की राह क्या होनी चाहिए बताइए सर। तो चलिए आगे का रास्ता, आगे का राह जो है मैं आप लोग को बता देता हूँ पूरी डिटेल के साथ। तो सबसे पहली वो बात दोस्तों कि आगे की राह जो है ना वो क्या है, द पॉपुलेशन विथ इट्स गुड एजुकेशन ऑलरेडी ओके ऑलरेडी एक्सेल्स इन द सर्विसेज सेक्टर ड्यूरिंग पोटेंशियल इन्वेस्टर अटेंशन। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर भारत में लोग हैं, कनेक्टिविटी अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, अगर उनको एजुकेट किया जाता है, उन्हें जागरूक किया जाता है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जो भी चुनौतियां हैं उसको हैंडल किया जाए, वन बाय वन चुनौती मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि बांग्लादेश के साथ भी अगर कोई कंफ्लिक्ट है तो उसको दूर किया जाए, और भारत जो है अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सफल बनाने के लिए इसका जितना फायदा हो सकता है उठा सकती है, जितना फायदा हो सकता है उठा सकती है, ये हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फायदा उठा सकती है, ओके। तो यहाँ पर जो सिंपल मैटर कि वे ऑफ फॉरवर्ड में पूरा सा डिटेल आपको और बता देता हूँ, जिससे कि आपको और क्लियर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिएगा, प्लीज म्यूट करके रखिए, हाँ, कि जो ऐसी आर्थिक चुनौतियां हैं जो हम कहते हैं ना दोस्तों कि नॉर्थ ईस्ट के लिए बाधा बन सकती है, जिसमें जापान इन्वेस्ट कर सकता है, जापान हमें तकनीक दे सकता है, और अगर हम लोग कहते हैं ना जापान ही शायद एकमात्र ऐसा निवेशक है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में इन्वेस्ट किया है, ओके। भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश में रुचि की कमी है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और अगर हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश से तो आपको पता ही है कि FDI के ऊपर जो हम लोग कहते हैं बांग्लादेश से निवेश के प्रभाव पर विभिन्न प्रतिबंध भी शामिल है ना। और अगर दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसे सिर्फ भारत को नहीं फायदा होगा, बांग्लादेश भूटान यहाँ तक कि नेपाल को भी फायदा हो सकता है, म्यांमार को भी फायदा हो सकता है, यानी बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है, बेहतर सहयोग की जरूरत है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत है,
ठीक है, उसने भारत चाहे तो अच्छा रोल प्ले कर सकता है, भारत भी मिस्टेक का भी बेहतर तरीके से यूज कर सकता है अगर हम लोग बात कहें तो, है ना। एक दिन डिस्कस भी किया था कि बिमस्टेक सफल रहा, लेकिन सॉरी आसियान सफल रहा और सार्क असफल रहा, या बिमस्टेक सफल रहा सार्क असफल रहा, मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों यहाँ पर कि तीनों देशों को आपस में एक साथ आकर के मतलब जो आए हैं उस पर और बेहतर तरीके से काम किया जाए और जी जान लगा देना चाहिए ताकि भारत का भी फायदा हो, दूसरे देश का भी फायदा हो। तो आई होप सो आप लोग की ये क्लासेज जो है समझ में आई होगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो रेज योर हैंड, बाकी कैसा रहा क्लास बताइएगा जरूर कमेंट करके। ठीक है, और आप लोग बिना क्लास समाप्त हुए छोड़ के नहीं जाइए, ये करते ना गलत बात है। कभी भी कोई क्लास हो तो जब तक सर ना समाप्त कर दे आप लोग को नहीं जाना चाहिए। ठीक, कमेंट करके बताइए कैसा रहा क्लास। वेरी नाइस। एनएसए का बहुत गलत यूज हुआ था सर 90th में। ये एनएसए जो हम लोग बात करते हैं मनीष कश्यप के ऊपर जो लगा है, ये एनएसए आदि सर सर जी प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी है क्या बताओ? तहे दिल से सर, ठीक है मैं आपको अभी बताऊंगा। जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का बहुत यूज हुआ था, ठीक है, एंड खास करके कहा जाता है कि 1980 में ये जो एक्ट आपका इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था, और कि हम लोग कहते हैं कि उसके बाद इसका बहुत मिसयूज किया गया, ठीक है, कांग्रेस की सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, हम लोग कह सकते हैं जरूर, तो उसमें नहीं जाएंगे। सर मुझे ये बता दीजिए कैसे पता चल पाता है कि कौन सा एडिटोरियल इम्पोर्टेड है एग्जाम के हिसाब से? आप खुद जब एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्या होता है कि एक ही टॉपिक बार 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 आता रहता है। अगर एक ही टॉपिक बार बार आता है तो उसे हमें नहीं करना, एक ही बार कवर करना है। अच्छा, पता कैसे चलता है? पॉलिटिक्स की जो बात है उसे आप साइड कर दीजिए, ठीक है, और बाकी जो देखिएगा आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है तो आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, नाइस क्लास, वेरी नाइस क्लास, नाइस, ओके। सर जी इकोनॉमिक्स के लिए जरूरी है, ज्योतिष साहू मैं नहीं समझ पाया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो शायद आप लोग का किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है तो आज क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। मुझे पता है कि आपको क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई कभी डाउट होती है तो आप नेक्स्ट क्लास में या हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं, बिना हैंड रेज के नहीं। यस आत्मा बताओ। हेलो आत्मा सर, व्हाट इज बर्ड्स कैचर? बर्ड्स कैचर जो क्या कहते हैं कि पक्षियों को पकड़ते हैं, ट्राइब्स का काम होता था या अभी भी बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं जिसको पकड़ करके वो खाते हैं, जैसे कबूतर की बात के लिए गुलेर होता है, बहुत सारे पक्षी होते हैं, ठीक है। तो सर ये इससे कैसे रिलेट होगा? क्यों नहीं रिलेट होगा, ट्राइब्स के बारे में मैंने बताया, हकी जो ट्राइब्स है उसके बारे में कि उसका मेन काम जो है वो आपका जंगलों में रहना, जो कहते हैं सेमी नोमैडिक, खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना, लेकिन लंबे समय के अंतराल के बाद, और पक्षियों को पकड़ना, शिकार करना, यो अपने पेट भरने के लिए करते थे, वो ट्राइब से रिलेटेड है। सर एक्चुअली ये चीज मैंने लिखी थी। एक मिनट, पहले मैं आसमा का डाउट ले लूं। हाँ हाँ आसमा बोलो। सर व्हाट इज केश वर्णन केस? आसमा आप प्लीज पढ़ो, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इतना डाउट नहीं ले सकता मैं। केश वर्णन भारती केस जो था वो आपको याद रखना है कि 24 अप्रैल 1973 को सचिन तेंदुलकर के बर्थडे पे ही आया था। वो बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी उसमें दिया गया था। क्या दिया गया था बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी? कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है, अगर उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज को रख दिया है उसमें अमेंड नहीं कर सकती है। या आधारभूत ढांचे का एक चीज ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है आप उसे नहीं हटा सकते हो, न्यू प्रोविजन जरूर एड ऑन कर सकते हो, ठीक है।